मुझे माननीय आदित्यनाथ जी ने 10 लाख का चेक दिया हुआ, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स सीएम सर, बिकॉज उन्होंने इतनी बड़ी हमें ये हेल्प की, धन्यवाद करती हूँ। 10 लाख रुपए का मुझे चेक दिया। यूपी सरकार ने मुझे ये 8-10 लाख का जो आर्थिक मदद दिया है, उससे मेरा भविष्य और मेरे बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होगा। योगी सरकार जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, ये 10 लाख रुपए देके उनका हृदय से आभार है। तो फिर हमें कल परसों से कॉल आया था कि आप आ जाइए लखनऊ, आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी योगी गवर्नमेंट। तो फिर हम लोग कल आए और हमें काफ़ी अच्छा लगा। इस योजना से शायद योगी जी ने आज तक की सरकारों की अपेक्षा जी ये कार्य किया। मेरा सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि पत्रकार बंधु सभी सरकार के साथ रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये चेक नहीं है, ये विश्वास है कि हम आपके साथ हैं। उर्मिला चतुर्वेदी, दैनिक जागरण के श्री राकेश चतुर्वेदी जी जो दिवंगत हो गए, उनके लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि का ये चेक। अंग्रेजी दैनिक द पायनियर के श्री अंजनी कुमार निगम जी जो अब हमारे बीच नहीं, उनके परिवार के जन चमन निगम जी, उर्दू दैनिक प्रिंस न्यूज के शफीकुर रहमान साहब अब हमारे बीच नहीं, उनके परिवार की सदस्य जुबैदा खातून साहिबा, वास्तव में ही है 10 लाख राशि। इसका महत्व नहीं, एक संवेदनशील आश्वासन और विश्वास है कि आपके सपनों को पूरा करने में हम आपके साथ हैं। दैनिक जागरण के स्वर्गीय श्री मुन्ना लाल जी के परिवारजन राधा अग्रवाल, स्पष्ट आवाज की श्याम लला सिंह जी के परिवार की राजश्री सिंह जी, हिंदी दैनिक वर्कर्स हेरल्ड के स्वर्गीय श्री आलोक श्रीवास्तव के परिवार की दुर्गा श्रीवास्तव जी, हिंदी दैनिक जागरण के अमी आधार निडर जी के परिवारजन कल्पना श्रीवास्तव जी, दस लाख रुपए का ये चेक सिर्फ धनराशि नहीं, आपके हौसलों को शक्ति देने का प्रयास है। उर्दू दैनिक आग के सैयद हैदर महेंद्र अली साहब के परिवार के जन मुस्तरी बेगम जी, मानव जगत के स्वर्गीय श्री राम भगत जी के परिवार की सदस्य लता वालिया जी, पहले मुस्तरी बेगम जी और उसके बाद लता वालिया जी, दैनिक मैसेज ब्यूरो के शैलेंद्री कटियार जी के परिवारजन श्री राम कुमार सिंह जी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी उम्मीद बनना चाहते हैं, आपके हृदय का साहस बनना चाहते हैं और उसी का प्रतीक है ये 10 लाख रुपए की धनराशि। हिंदी साप्ताहिक लालगंज टाइम्स की पुष्पलता शुक्ला के परिवारजन श्री केवल कुमार जी, दैनिक जनप्रिय ललितपुर के राजीव पवैया जी के परिवार की सदस्य नीलू जैन जी, UNI वार्ता लखनऊ के अनिल श्रीवास्तव जी के परिवार की सदस्य वंदना श्रीवास्तव जी,
ये 2020 में जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा उनके परिवार के सदस्य थे, अब 2021 में जो लोग दिवंगत हुए उनके परिवार के सदस्य, हिंदी साप्ताहिक ऑफ बीट के प्रमोद श्रीवास्तव जी के परिवार के सदस्य अंशु श्रीवास्तव जी, बस अपने मन का हौसला बनाए रखें। ये एक संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक दीप रानी जी, हिंदी दैनिक आज के शिवनंदन साहू जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार की सदस्य। हर चेक में छुपी है भावनात्मक सोच, संवेदनशील सोच और एक विश्वास, हम साथ हैं। सच्चिदानंद गुप्ता जी, हिंदी दैनिक हैदरगढ़ की बात की डॉली गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु जोशी जी के परिवार की सदस्य सुनीता जोशी जी, दैनिक जागरण के श्री अंकित शुक्ला जी के परिवार की सदस्य विभा शाश्वत शुक्ला जी, हिंदी साप्ताहिक अवामी तर्जुमान के रफीकुर रहमान रशीदी जी के घर की फरहत राना, हिंदी दैनिक जनमुख के स्वर्गीय श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा के परिवार जी की सदस्य शशिकला सिन्हा जी, हिंदी साप्ताहिक अनुभूति प्रवाह के स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र धीर जी के परिवार के सदस्य अभिनीत सिंह जी, हौसला उम्मीद विश्वास और आत्मीयता का परिचायक ये चेक, हिंदी साप्ताहिक पवन प्रवाह के स्वर्गीय श्री पवन मिश्रा जी के परिवार के सदस्य सुधा मिश्रा जी, दैनिक लोक भारती के स्वर्गीय श्री हरिशंकर गुप्ता जी के परिवार की रजनी गुप्ता जी, राष्ट्रीय सहारा के स्वर्गीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी के परिवार की सदस्य ममता श्रीवास्तव जी, उर्दू दैनिक साई लहर के जनाब मोहम्मद वसीन साहब की परिवार की सदस्य अफसरी बानो, विश्वास रखें, हृदय को संभालें, हम आपके सपनों को टूटने बिखरने नहीं देंगे, ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जता रहे हैं। रिपब्लिक भारत के स्वर्गीय कुणाल श्रीवास्तव की परिवार की सदस्य प्रतिमा शुक्ला जी, आप अपने हृदय को संभालें, हम आपके हौसले को कायम रखेंगे। जन संदेश टाइम्स के सलाउद्दीन शेख जी के घर की नाहिद शेख, बहुत ही भावुक पल, हिंदी साप्ताहिक काम किसका की उषा स्वर्गीय उषा अग्रवाल जी के घर के श्री शिशिर कुमार गुप्ता जी, दैनिक लोक भारती के स्वर्गीय श्री राम नरेश तिवारी जी के घर की सदस्य प्रीति तिवारी जी, दैनिक लखनऊ मेल के स्वर्गीय श्री के सिन्हा जी के पुत्र श्री मोहित सिन्हा जी, हिंदी साप्ताहिक नगर छाया के स्वर्गीय श्री अरुण कुमार पांडे जी के घर की सदस्य ममता पांडे जी, दैनिक अमर उजाला के स्वर्गीय श्री अजय शंकर तिवारी जी के परिवार की प्रिया तिवारी जी,
हिंदी दैनिक मान्यवर के स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जायसवाल के परिवार की सदस्य गायत्री देवी जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वर्गीय श्री रोहित सरदाना जी की पत्नी श्रीमती प्रमिला दीक्षित जी यहाँ आई नहीं है, लेकिन ये सहयोग राशि उन तक भी पहुँचेगी। हिंदी दैनिक अमृत प्रभात प्रयागराज के स्वर्गीय श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी के घर की सदस्य शैल त्रिपाठी जी, हिंदी साप्ताहिक अनुपम बस्ती की श्रीमती सुशीलिया देवी जी के घर के उनके पुत्र सतीश मानव जी, हिंदुस्तान समाचार के जनाब शफी अहमद साहब के घर की सदस्या सीमा सैफी जी, जानते हैं ये पल बहुत कठिन है, लेकिन उम्मीद हौसला और विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चेक के साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। प्रतीक समाचार के स्वर्गीय श्री मोहन शुक्ला की परिवार की सदस्य कुमारी एंजल शुक्ला, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्वर्गीय श्री सुभाष मिश्रा के घर की सदस्य संध्या मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री कौशल किशोर जी के घर से कांति शर्मा जी, उर्दू दैनिक अवधनामा के जनाब वकार मेहंदी साहब के सुपुत्र सैयद मोहम्मद अर्स, डीडीसी न्यूज एजेंसी के स्वर्गीय श्री अखिलेश कृष्ण मोहन जी के परिवार की सदस्य रीता कृष्ण मोहन जी, न्यूज वन इंडिया चैनल के श्री स्वर्गीय श्री अमरेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी उनके स्थान पर लेंगी, हिंदी दैनिक वहीद भारत टाइम्स के सैयद गुफरान मियाँ के घर से सायमा भी, उर्दू के जमा दोस्त के स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ जी के पुत्र श्री आदर्श कुमार जी, स्वराज्य टाइम्स के स्वर्गीय श्री अजय शर्मा जी की माता श्रीमती मृदु शर्मा जी, हम सब आपके साथ हैं, आपके सपनों को हम मरने नहीं देंगे, विश्वास रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है आपके साथ। हिंदी दैनिक सीधा संवाद के स्वर्गीय श्री रवि प्रकाश अवस्थी जी के लिए रेखा अवस्थी जी, हिंदी दैनिक प्रकाश टाइम्स बस्ती के स्वर्गीय श्री अंकित श्रीवास्तव जी के लिए अलंकृता श्रीवास्तव जी, और अंत में हिंदी दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप के स्वर्गीय श्री राज किशोर तिवारी जी की ओर से शोभा तिवारी जी। वास्तव में ये चेक नहीं है, बस एक संवेदनशील प्रयास है आपको आश्वस्त करने का कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते, इस संवेदनशील सरकार के रहते, आपके सपने टूटने नहीं पाएंगे, आपका हृदय बिखरने नहीं पाएगा, हम साथ साथ चल के आपके सपनों तक आपको पहुंचाएंगे। चमन निगम, अंजनी निगम की वाइफ, द पायनियर में वो जॉब करते थे और मैं बांदा से हूँ। मुझे माननीय आदित्यनाथ जी ने 10 लाख का चेक दिया हुआ, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम अहमद
son of late Mr. R.R. Rashidi, and my father has passed away due to COVID on 17 April. So I would like to thanks to CM sir, because उन्होंने इतनी बड़ी हमें ये help की, तो उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, but yes, उन्होंने जो हमारी help की ना, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, and I hope आने वाले हमारे मेरे तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी को खोया है, so उसके लिए जो योगी सरकार ने कदम उठाया, that was amazing and thanks a lot. धन्यवाद करती हूँ, 10 लाख रुपये का मुझे चाहती है. मेरा नाम प्रतिमा शुक्ला है और मेरे हस्बैंड जो है रिपब्लिक भारत में पत्रकार थे नोएडा में, उनकी कोविड से डेथ हुई थी और ये यूपी सरकार ने मुझे ये 8-10 लाख का जो आर्थिक मदद दिया है उससे मेरा भविष्य और मेरे बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और ये बहुत बड़ी मदद है. इतनी बड़ी मदद तो शायद ही कोई और राज्य दे रहा है और ये हमारे लिए हम इतनी बड़ी घटना के बाद ये सहायता राशि बहुत बड़ी है, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही सहायता देगी. मेरा नाम केशव तिवारी है. मेरे पिताजी श्री रामनरेश तिवारी लोक भारती दैनिक से थे जिनकी 27 अप्रैल को डेथ हो गई. योगी सरकार जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, ये 10 लाख रुपए देके उनका हृदय से आभार है. मैं डॉक्टर एस सी गुप्ता, मेरे अग्रज बड़े भाई स्वर्गीय हरिशंकर गुप्ता दैनिक लोक भारती प्रकाशन के पत्रकार थे. 35 वर्षों से उन्होंने सेवा की. इस कोविड काल में उनका पत्रकारिता में करते हुए निधन हो गया. इस योजना से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए जो योजना चलाई उससे बहुत आर्थिक सहायता उपलब्ध होने से परिवार की एक मदद हो सकती है और इस मदद से 1 रुपया भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. उन्होंने तो 10 लाख की दी. इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद होगी. मृत्यु की भरपाई नहीं हो सकती परंतु उस पर एक मरहम तो लगाया जा सकता है. इस योजना से शायद योगी जी ने आज तक की सरकारों की अपेक्षा जी ये कार्य किया पिछली कोई सरकार नहीं कर पाई. इससे पत्रकारों के हौसले और बुलंद होंगे जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं. मेरा सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि पत्रकार बंधु सभी सरकार के साथ रहेंगे, ये मेरा विश्वास है. अच्छा, मेरा नाम निखिल शुक्ला है. मैं प्रयागराज यूपी से हूँ और ये मेरी सिस्टर हैं, इनका नाम एंजल शुक्ला है. हमारे फादर का नाम मोहन शुक्ला था जो कि प्रतीक न्यूज़ के एडिटर थे. 7 मई को उनकी डेथ हो गई कोविड की वजह से. उसके बाद फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी क्योंकि लास्ट ईयर हमारे मदर की डेथ हो गई थी, हमारे कोई सपोर्ट नहीं था. उसके बाद फिर हमें जब पता, कई लोगों से पता चला कि योगी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है जिनके पेरेंट्स या फिर कोई भी कोविड से एक्सपायर हो गया है, खासकर पत्रकारों के, उसको तो फिर हमें कल परसों से कॉल आया था कि आप आ जाइए लखनऊ, आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी योगी गवर्नमेंट. तो फिर हम लोग कल आए और हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हेल्प हुई क्योंकि इस कंडीशन में जब कोई नहीं होता तो भी हमें हेल्प दी योगी गवर्नमेंट ने. तो उसके लिए हम योगी गवर्नमेंट का काफ़ी बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, आभारी हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें ऐसे ही हेल्प प्रोवाइड करती रहेगी. थैंक यू सो मच. लोकतंत्र का 4th स्तंभ है मीडिया और मीडिया कर्मी प्रहरी हैं इस लोकतंत्र के. कोरोना काल में उन्होंने एक योद्धा की तरह अपने दायित्व का निर्वहन किया. नियति के क्रूर हाथों ने उनमें से बहुत सारे हमारे साथियों को हमसे छीन लिया. हम आपके जख्म को नहीं भर सकते, आपने जो खोया उसे लौटा भी नहीं सकते, लेकिन ये विश्वास दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं. ये एक संवेदनशील सरकार है जो प्रतिबद्ध है हर हाल में आपके सपनों को पूरा करने के लिए. माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच का परिचायक है ये आयोजन जो विश्वास, संवेदनशीलता और अपनेपन से भरा है. मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री रजत शर्मा जी और साथ ही मंचा सिंह सभी अतिथियों का इस विश्वास को दिलाने के लिए कि आप सब हमारे साथ हैं. जो हमारे साथी चले गए वो हम उन्हें लौटा तो नहीं सकते, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति, संवेदना और एक साथ सरकार ये आपको संदेश देना चाहती है कि हम सब लोग आपके साथ हैं. सभी परिवारों से सहानुभूति है और इस क्रम में मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि जब ये इसके नियम बन रहे थे तो उसमें
बहुत तरह की नियम सुझावित किए गए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी हमारे पत्रकार हैं जिस भी श्रेणी के रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक अपने साथियों को सहायता पहुंच सके। अजय शर्मा जी जो कि विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं, और ये भी रजत जी भी कोरोना के लहर के बाद आज पहली दफ़ा, और इसी आप सबको हमको जो एक आप सबके लिए संवेदना का संदेश देने के लिए विशेष रूप से वो दिल्ली से आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जैसे मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे निर्देशित किया कि सबसे आसान नियम होना चाहिए, पत्रकार किसी भी श्रेणी का हो उसको, उसके परिवार को सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। आज 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हर परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और रजत शर्मा जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई जाएगी। आज बहुत भावपूर्ण दिन है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो साथी, हम लोगों ने जिन साथियों को खोया है, उनकी स्मृति में हम सब लोग 2 मिनट का मौन भी रखें, ताकि एक संदेश हमारा सबको जाए और उनको आत्मा को शांति के लिए भी हमारी प्रार्थना हो। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर 2 मिनट का मौन सभी लोग। हम लखनऊ के लोक भवन में मौजूद हैं और यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन सभी परिवारों के लिए पैसे दिए जाएंगे, घोषणा की गई है। क्योंकि पहले ही, क्योंकि जिन भी पत्रकारों ने न्यूज़ समाचार में काम करने के दौरान कोविड के दौरान अपनी जान खो दी और जिनकी मृत्यु हो गई, उनके सभी परिवारों को योगी सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपये की राशि दी जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि रोहित सरदाना की फैमिली का भी नाम पूरी लिस्ट में है और उनकी फैमिली की तरफ से भी एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है और योगी सरकार की तरफ से उनकी फैमिली के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाने हैं। और उसके अलावा काफ़ी और ऐसी फैमिली हैं, चाहे फिर वो कोई सी भी मीडिया हो, चाहे जिसने कैसी भी बातें की हो, पर योगी सरकार की तरफ से हर किसी के लिए मदद की जा रही है।